हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हमने तीन फॉर्म लिखने के तरीके सीख लिए थे, कौन कौन से, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू पॉइंट फॉर्म। आज चौथा जो हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई लाइन है और वो वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बनाती है और एक्स एक्सिस पे, जैसे ये जो लाइन है, दिस इज अ लाइन, अब ये एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बनाई है और यही लाइन वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बनाई है, तो अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी लाइन दिखती है आपको, तो इसका इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं एक्स अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो कितना इंटरसेप्ट बनाई है लाइन ए प्लस वाई अपॉन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है बी इज इक्वल्स टू वन। इस तरीके से आप इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चों, हमने अभी देखा कि इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसी में करा रहा हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि इसे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट्स -3, 8 एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7। मतलब कि आपको गिवन है। अब एक्सेसिस का मतलब क्या है कि ये जाहिर सी बात है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्म लगाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे हम लगाते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। अब ये इक्वेशन जो है, इस ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे लाई करी, यानी इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, -3 अपॉन ए प्लस वाई की जगह पे 8 अपॉन बी इज इक्वल टू वन। अब हमें एक और चीज गिवन है, एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट का सम है वो 7 है। दैट मीन्स यहां को गिवन है क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो यहां से मैं ए लिख सकता हूं क्या इन टर्म्स ऑफ बी, 7 माइनस बी, ए को मैं बी के टर्म में रिप्लेस करने जा रहा हूं। तो यहां पे मेरा क्या मिल जाएगा हमें, -3 अपॉन 7 माइनस बी प्लस 8 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहां पे एक इक्वेशन है, एक अननोन हो गया, तो इसको सॉल्व कर ले। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 माइनस बी इंटू बी, यहाँ क्या होगा -3b प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 सते 56 -8b इज इक्वल्स टू 1। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, -8b -3b दैट इज -11b प्लस 56, और ये मल्टीप्लाई भी इधर आ जाएगा, तो यहां मेरे को आरजे साइड में क्या मिलेगा, 7b माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ये आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सॉल्व करते हैं पहले हम, तो ये बी आया इधर, तो बी स्क्वायर -7b और ये इधर है आपका -11b, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -18b प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व करने जानते हो, अगर नहीं आपको पता है तो मैं इसका वीडियो लिंक में, वीडियो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो यहां से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बी की वैल्यू आप या तो प्राइम फैक्टर जिसका बीच का फैक्टर निकाल लो, या तो आप फॉर्मूला पे लगा लो, जैसे मर्जी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, जैसे मर्जी आप कर लो, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 56 को फैक्टराइज मेथड में बता रहा हूं, 56 क्या होगा, 8 इंटू 7, 8 और 7 का कॉम्बिनेशन तो नहीं आएगा, इसको और ब्रेक करके देखते हैं, तो ये कैसे होगा, 2 × 2 × 2 × 7 है ना। तो इनको देखो, 7 × 14, 2 × 2 = 4, अगर मैं इसको कर दूं, बी स्क्वायर -14b -4b प्लस 56, अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लो उतना ही आएगा, है ना। तो यहां से क्या होगा, बी कॉमन ले लो एक में से, इन दोनों में से बी कॉमन लिया, तो बी माइनस 14, इसमें से -4 कॉमन लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, बी माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, तो यहां से आगे आपकी बी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, बी माइनस 14 एक तो मिल जाएगा और एक ये फैक्टर में आ जाएगा, बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, बी इज इक्वल टू 14 एंड बी इज इक्वल टू 4, ये दो आपकी बी की वैल्यूज आ गई। अब जैसे ही आपके पास बी की वैल्यू आई, आप यहां पे पुट करो,
और ए की वैल्यू निकाल लो। पहले 14 और 4 आ गई, तो बी अगर 14 लूंगा मैं तो क्या होगा, बी इज 14, ए की वैल्यू क्या होगी, ए विल बी 7 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस 7, और अगर बी की वैल्यू मैंने 4 ले ली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 माइनस 4 3, तो दो आपके पास इंटरसेप्ट मिले दो तरीके के दो कॉम्बिनेशन में। तो एक इक्वेशन इस पे अगर इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, x अपॉन माइनस 7 प्लस y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1, ये एक आपको इक्वेशन मिल गया। और अगर इसका मैं b का वैल्यू 4 ले लूं और a की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो दो दो आपको इक्वेशन मिले लाइन के जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सो बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2, 3 सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन आपको बताना है जो कि इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट भी की जा रही है, जो इंटरसेप्ट हो रही है लाइन इन दोनों एक्सेस के बीच में, इसी पॉइंट पे क्या हो रही है बाइसेक्ट हो रही है। तो इसका इक्वेशन आप लिख करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अध्यनिक्स।